अगर आप और भी चाहते हैं ऐसे ही वीडियो देखने के लिए तो हमारे चैनल का यूम चक सिल्वर के बाजू में लाल बटन को सब्सक्राइब करिए, साथ में घंटी को भी दबाएं। क्योंकि लोग एक ज्यादा तादाद में एक जगह पर इकट्ठा है, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में एक जगह पर विरोध किया जा रहा है। इस वजह से पुलिस सिचुएशन को कंट्रोल कर रही है, लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया। ये लाठीचार्ज की तस्वीरें उस उत्तर प्रदेश से हम दिखा रहे हैं आपको, बहराइच से दिखा रहे हैं, जहां को लेकर कल ही सीएम ने तल्खी दिखा दी थी। ये तक कह दिया था कि अगर आपने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो आप जैसे लोगों की पहचान करके हम आप ही से वसूलेंगे, आप ही को इसका हर्जाना देना होगा, आपकी संपत्ति की कुर्की करेंगे, आपकी संपत्ति की हम जब्ती करेंगे। लेकिन इस बीच भी कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है और इस तरीके से जो लोग हैं वो फिर कानून को अपने हाथों में लेने की कोशिश करें। हालांकि पुलिस की तैनाती हर उस जगह पे है जहां पहले से आशंका थी कि बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच सकते हैं। तो बहराइच से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जब पुलिस को लगा कि शायद स्थिति खराब हो सकती है, आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन जा सकता है, तो फिर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। लाठी चार्ज की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं बहराइच से, जहां उग्र भीड़ ने फिर से हिंसक प्रदर्शन करने की कोशिश की है। लेकिन इस बीच लाठी चार्ज उन लोगों पर, बहराइच से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हिंसक भीड़ यानी कानून को एक बार फिर अपने हाथों में लेने की कोशिश। सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग एक जगह पे इकट्ठा हुए, उसके बाद पुलिस ने बल का प्रयोग किया और ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब सीएम ने सख्ती दिखा दी है। कल ही, कल का उनका बयान आपको याद होगा कि ऐसे गुंडों से कैसे निपटना है, लेकिन इसका असर अभी भी उत्तर प्रदेश में कम से कम नहीं देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी भी स्थिति खराब है, अभी भी कई जगहों से ऐसी खबरें मिल जा रही है जिसमें लोग जो हैं वो ना सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि आकर कानून को हाथ में भी ले रहे हैं। लेकिन भीड़ को कंट्रोल किया जा सके, कोई आपात स्थिति ना हो, कोई अनहोनी ना हो, उसको देखते हुए पुलिस भी कदम उठा रही है, हल्का बल का प्रयोग भी, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। इस बीच बहराइच में पुलिस का लाठी चार्ज और विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, अपडेट। सर थे ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, इनका एक जगह निर्धारित थी जहां पर इनको जाकर प्रोटेस्ट करना था, लेकिन इसी बीच में पुलिस उनको रोकने की कोशिश करी है और उसके बाद प्रोटेस्टर्स की तरफ से झड़प शुरू हुई और उसके बाद पुलिस ने भी जो स्थिति है उसको सामान्य करने के लिए दोनों के बीच में झड़प हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगी है, किसी भी तरीके की कोई भी प्रोटेस्ट की कोई अनुमति नहीं है और इस नाते पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश करी है। हालांकि जो प्रोटेस्टर्स थे वो अपनी बात पर अड़े हुए थे, उनका कहना था कि उनका अधिकार है प्रोटेस्ट करना, इस नाते वो प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन चूंकि अब धारा 144 लगी है इस नाते आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इस नाते पुलिस ने उनको वहां से हटाने की कोशिश करी और इसी बीच में दोनों के बीच में जो हमें झड़प देखने को मिल रही है वो हमें देखने को मिली और उसके बाद पुलिस ने वहां पे स्थिति सामान्य करने के लिए जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि आंसू गैस के गोले भी पुलिस ने छोड़े हैं ताकि स्थिति को सामान्य किया जा सके, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको वहां से भगाया जा सके, उनको वहां से हटाया जा सके। और क्योंकि जो प्रोटेस्टर्स थे वो सब सड़क पर उतर आए थे और इस नाते ये जो सारी तस्वीर है ये हमें देखने को मिल रही है। जी, लेकिन विवेक बड़ी बात ये है कि सरकार की सख्ती है, पुलिस ने सख्त हिदायत दी है, उसके बावजूद भी कैसे लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि जो जिस तरीके से कल, जैसे मैं लखनऊ का अगर आपको एग्जांपल दूं तो लखनऊ के क्या हुआ कि चीजें कि आप जो एक जगह जहां पर उनको जाना है वहां पर जाने के लिए पुलिस ने वहां पर बैरिकेडिंग कर रखी है, लेकिन लोग दो दो तीन तीन की संख्या में, दो दो चार चार की संख्या में एक एक डेढ़ घंटे पहले से कुछ इलाकों पर पहुंच रहे हैं और उसके बाद एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है और उसके बाद अचानक से लोग एक साथ सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस उस स्थिति को कहीं ना कहीं संभालने में नाकाम हुई है, क्योंकि जो मैसेज है जो पुलिस की तरफ से जो पुलिसिंग का ये है कि आप एक साथ नहीं निकल सकते, लेकिन जो लोग जब इकट्ठा हो रहे हैं तो वो दो दो चार चार की भीड़ में आ रहे हैं, दो दो चार चार की संख्या में आ रहे हैं, थोड़ी देर इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद इस तरीके की भयावह स्थिति हमें देखने को मिल रही है जब अचानक से सैकड़ों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो एक साथ आ जा रहे हैं और पुलिस का वहां कहीं ना कहीं एक लोकल इंटेलिजेंस का एक फेल्योर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक साथ उतने ढेर सारे प्रदर्शनकारी जब आपको मिल जाते हैं तो शायद पुलिस को समझ में नहीं आता है कि पुलिस उसके बाद क्या करे। हालांकि पुलिस लगातार इस बात को लेकर के जिक्र कर रही है कि एहतियात बरता गया है, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन अब प्रोटेस्टर सड़क पर है और प्रोटेस्टर सड़क पर है और लेकिन जब वापस से फिर वही बात की लखनऊ, अगर उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगी है और किसी को एक साथ रहने की अनुमति नहीं है, इस नाते पुलिस उनको रोकने का प्रयास कर रही है, उनको हटाने का प्रयास कर रही है,
लेकिन जब वो नहीं मान रहे हैं उसके बाद जो हम स्थिति अभी देख पा रहे हैं कि पुलिस उनको खदेड़ने की कोशिश करी, उनको वहां से भगाने की कोशिश करी, आंसू गैस से घोले तक पुलिस को छोड़ने पड़े, तो ये इस पूरे कार्रवाई को लेकर के कहीं ना कहीं जब जो शुरुआती तौर की जो पुलिसिंग है, जब ये सारे लोग जब इकट्ठा होना शुरू हुए उस समय शायद पुलिस चीजों को नहीं समझ पा रही है, तो उस नाते इस तरीके की चीजें हमारे सामने निकल के आ रही है। जी बिल्कुल विवेक, बहराइच की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बहराइच में हंगामा बरपा है और बहराइच में प्रदर्शनकारी उग्र हुए, जिसके बाद पुलिस को वहां लाठी चार्ज करना पड़ा। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को आप देख सकते हैं। बहराइच की ये तस्वीरें जहां पर पुलिस कर्मी इस वक्त गश्त कर रहे हैं क्योंकि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी निकले और यहाँ पर हिंसा फैलाने की कोशिश की, जिसकी वजह से पुलिस को जवाबी कार्रवाई में लाठी चार्ज करना पड़ा है। इन लोगों को वहां से तितर बितर करने की कोशिश में लाठी चार्ज हुआ। ये तस्वीरें देखिए, ये वही लोग जो वहां पर हिंसा फैलाने के लिए आगे आते हैं, पत्थरबाजी करते हैं और उसके बाद पुलिस को जवाबी कार्रवाई में इन पर लाठियां भांजनी पड़ी हैं, इन्हें वहां से भगाने के लिए, इन्हें वहां से तितर बितर करने के लिए। उत्तर प्रदेश में पुलिस तैयार है और सीधे तौर पर सख्त हिदायत है कि आप प्रदर्शन करिए लेकिन हिंसा आप करेंगे तो ठीक नहीं होगा। लेकिन इसी बीच कुछ लोग हिंसा पर उतारू हो जाते हैं, जिसके बाद पुलिस की लाठियां चलने लगती हैं। ये तस्वीर दूसरी आप देख रहे हैं बहराइच की, जहां पर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा है। और उधर दिल्ली में जुमे की नमाज पर लोग तो इकट्ठा हुए, लेकिन अब बड़ी बात यह है कि मार्च की शक्ल ये ले चुका है, क्योंकि नमाज के बाद लोग इकट्ठा हुए हैं और पुलिस पूरी कोशिश दिल्ली की कर रही है कि किसी तरह से माहौल खराब ना होने पाए। ये कोशिश है उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, हर जगह की तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। आज बहराइच में जरूर कुछ उपद्रवी, कुछ गुंडों ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया और इन सभी को तितर बितर किया है। लेकिन दिल्ली में भी जामा मस्जिद में जुमे की नमाज हुई और अब पुलिस पूरी कोशिश कर रही कि किसी भी सूरत में माहौल ना बिगड़े और किसी भी सूरत में ये ऐसी शक्ल अख्तियार ना करे जो दिल्ली के पिछले कुछ दिनों में दिखी है। लेकिन नागरिकता कानून को लेकर